हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि नवरात्रि आ चुकी है और नवरात्रि में बच्चे तो फास्ट नहीं रखते हैं, और मेरे घर पर मैं हर बार फास्ट रखती हूँ। तो क्या होता है, सुबह सुबह इतने सारे काम होते हैं कि अपने लिए अलग से बनाना है, बच्चों के लिए अलग से बनाना है। तो आज मैं अपने ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी सवा के चावल की पूड़ियाँ, जो बहुत ही मजेदार सी बनती है। तो देखिए, हम जब नवरात्रि रखते हैं तो हम कुट्टू का आटा यूज करते हैं या हम सिंगाड़े का आटा यूज करते हैं। तो आज हम वो दोनों आटों को ना यूज कर जो हमारे सवा के चावल होते हैं उनकी पूड़ियां बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो आज हम बना रहे हैं सवा के पूड़ियां। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं सवा के चावल, इसे समा के चावल बोलते हैं, सामक के चावल बोलते हैं। तो ये चावल लिए हैं और इन्हें मैंने क्या किया है, चावल को एक बार अच्छे से मिक्सी में कर दिया ग्राइंड। तो बिल्कुल फाइन पाउडर बनाकर इसका आटा बनाकर कर लिया तैयार। ठीक है, यहाँ पर आटा तैयार हो चुका है, इसे रख लेते हैं एक तरफ। और साथ ही साथ मैंने लिए हैं उबले हुए आलू। आलू को हम बीच में ग्रेट करके डालेंगे। तो यहाँ पर उबले हुए आलू का यूज करना है, और इसे आप चाहें तो हाथों से मैश करके डाल सकते हैं या फिर इसे आप ग्रेट करके डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने यूज किया है एक बड़े साइज का आलू, और इसके बीच में अच्छे से ग्रेट करके डाल दिया, क्योंकि अभी मैं बना रही हूँ सिर्फ और सिर्फ दो लोगों के लिए व्रत का खाना, तो उसके हिसाब से मैं आपको क्वांटिटी बता रही हूँ। आलू डाल दिए हैं, साथ ही साथ डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और ढेर सारा हरा धनिया। अब आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो आप सेंधा नमक का यूज कर सकते हैं, या फिर आप नॉर्मल नमक, अगर व्रत के दौरान नहीं बना रहे तो आप नॉर्मल नमक भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डालूंगी थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ी सी काली मिर्ची, टेस्ट अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ अदरक और मिर्ची का पेस्ट। पहले भी मैंने हरी मिर्ची डाली थी, और थोड़ी सी हरी मिर्ची मैंने अभी और डाल दी है इसके बीच में। और अब हम इसके बीच में डालेंगे टेस्ट अकॉर्डिंग नमक। नमक डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, और अगर आपको अदरक खाना नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हैं। देखिए, बढ़िया सा मिक्स कर दिया है। और इस पूड़ी को बनाने का फायदा पता क्या है, फटाफट से बनकर तैयार हो जाती है, बहुत ज्यादा समय नहीं लगता बनाने में, क्योंकि सुबह सुबह इतने सारे काम होते हैं, बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट अलग से बनाना है, अपने लिए वर्क का खाना अलग से बनाना है, तो ये पूड़ी जो है फटाफट से बनकर तैयार हो जाएगी। तो देखिए, अब जो हमने सवा का जो हमने चावल थे उनका जो आटा बनाया है वो थोड़ा थोड़ा करके बीच में डालेंगे, और मैंने एक कटोरी चावल का यूज किया था। एक प्रॉपर डो की तरह हम इसे गूंद लेंगे। अब यहां पर देख सकते हैं डो जो है हमारा प्रॉपर अच्छे से हमने गूंद लिया है, और अब हम इसे क्या करेंगे, फटाफट से करेंगे, बेलेंगे और फ्राई करेंगे। तो चलिए आगे का प्रोसीजर आपको बताते हैं। तो देखिए, आटा तो हमारा बहुत ही अच्छा सा गूंद लिया हमने, इसे रख देते हैं यहाँ पर। और एक तरफ कढ़ाई में मैंने कुकिंग ऑयल जो है गरम करने के लिए रख दिया है, ताकि जब तक हम पूड़ी अपनी बेलेंगे फटाफट से यहाँ पर ऑयल हमारा गरम हो जाएगा। अब पूड़ी बेलने के लिए एक बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक है, इसमें बेलन का यूज नहीं करेंगे हम। यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ रिफाइंड की थैली। अब रिफाइंड की थैली क्यों ली है मैं ये बता दूंगी, आप चाहें तो कोई नॉर्मल पन्नी का भी यूज कर सकते हैं। मैं रिफाइंड की थैली का जो हमारा ऑयल की जो पन्नी है उसका यूज इसलिए कर रही हूँ, इस पे क्या है हल्का हल्का सा ऑयल है, और ऑयल के साथ जो हमारी जो पूड़ियां हैं बढ़िया से बेल जाएंगी फटाफट से। तो देखिए, छोटी सी हमने इसकी बॉल बना दी है, और बॉल बनाने के बाद इस बॉल को हम रखेंगे सेंटर में। सेंटर से रखने के बाद ऊपर से पन्नी को इस तरह से रखेंगे और हल्के हल्के हाथों से दबा देंगे, और आप देखेंगे हमारी जो पूड़ी है बहुत ही बढ़िया से बेल चुकी है। तो बिना बेलन के अगर आप पूड़ी बेलना चाहते हैं तो इस तरह से आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। सभी पूड़ी को बेल लूंगी और प्लेट में रखती जाऊंगी, ताकि हमारा टाइम भी वेस्ट ना और फटाफट से काम हो जाए। ये देखिए, आप हल्के हल्के हाथों से प्रेस करेंगे ना तो इसके ऊपर जो ऑयल है उससे ये पूड़ी बहुत ही अच्छी सी बेल जाएगी। ये देखिए, इस तरह से हमने पूड़ी को बेलकर तैयार कर लिया है, देख सकते हैं ऑयल बहुत अच्छे से गर्म है, और पूड़ियां आप देख सकते हैं हमारी छोटी छोटी सी यहाँ पर तैयार हैं। तो इसके बीच में हम फ्राई करने के लिए डाल देंगे।
देखिए पूड़ियों को हम अच्छे से बीच में से प्रेस करते हुए फ्राई करेंगे ताकि हमारी जो पूड़ियाँ हैं बहुत ही बढ़िया सी बने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी पूड़ियाँ हैं बहुत ही फूली फूली सी बनकर तैयार हो रही हैं। तो अब हम इसे इतनी देर के लिए फ्राई करेंगे कि जब तक इसमें गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी अच्छा कलर आ चुका है। अब हम इन्हें गर्मा गर्म सर्व करते हैं। आप चाहें तो इन्हें चाय के साथ सर्व कर सकते हैं या हरी चटनी के साथ। बहुत ही मजेदार सी बनती है ये सवा के चावल की पूड़ियाँ। बहुत ही क्रिस्पी बनती है और बहुत ही हेल्दी है। तो आप भी अपने घर पर इसे जरूर बनाएं। तो अगर आपको हमारी ये क्रिस्पी पूड़ी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो ढेर सारे लाइक कमेंट शेयर तो बनते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा हमारी बहुत ही जल्दी जल्दी से ये पूड़ियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो आपको दिखाती हूँ अब फटाफट से इसे क्रश करके कि कितनी ज्यादा क्रिस्प बनी है। ये आप देख सकते हैं, आवाज सुन सकते हैं आप इसकी, बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी है। तो मैं तो अपने ब्रेकफास्ट में ये वाली पूड़ी बनाती हूँ और साथ में एंजॉय करती हूँ चाय के साथ। तो गाइस आज मैं इस पूड़ी को अपनी चाय के साथ एंजॉय कर रही हूँ। तो आप भी बनाएं और खाएं और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसी लगी आज की रेसिपी आप सबको।